नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी ऑफ डिजिटल न्यूज़ MDN में। दोस्तों बात करने वाला हूँ जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड शेयर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो कंपनी ने जो इंट्राडे चार्ट है वो पहली 2 जनवरी को लास्ट टाइम बंद कर दिया था। तो फिलहाल के टाइम जो कंपनी का जो चार्ट है वो फिलहाल के टाइम बंद हो चुका है। तो अब जो Q3 के जो रिजल्ट हैं वो कब तक आने वाले हैं, फिलहाल के टाइम कंपनी की तरफ से जो बोर्ड मीटिंग की कोई अनाउंसमेंट है यहाँ पर नहीं की गई है। तो दोस्तों Q3 के रिजल्ट की जो उम्मीद है वो क्या रह सकती है और कंपनी के जो टारगेट हैं वो क्या रह सकते हैं, तो दोस्तों पूरी जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ। और 9 तारीख को क्या देखने को मिल सकता है, मंडे को क्या कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट की जा सकती है, तो पूरी जानकारी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो बिल्कुल भी जानकारी को स्किप मत करना दोस्तों, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा जानकारी समझ में आने वाली भी रहेगी। तो फिलहाल के टाइम बात करें प्राइस की, तो प्राइस 1.75 रुपये देखने को मिलती है। तो कंपनी का जो इंट्राडे चार्ट है, कंपनी ने जो ट्रेडिंग विंडो है वो पहली 2 तारीख को लास्ट टाइम बंद कर दी थी। तो फिलहाल के टाइम देखा जाए तो शेयर की प्राइस 1.75 रुपये पर रह गई है। तो कंपनी लगातार एक मंथ से देखा जाए तो एक मंथ से तो शेयर में अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे बनती हुई देखने को मिली है। रिटर्न्स में गिरावट की बात करते हैं तो रिटर्न्स 10-10.5% के आसपास रिटर्न्स में गिरावट यहाँ पे आती हुई देखने को मिली है। और पैसे की बात करें तो 20 पैसे शेयर में गिरावट यहाँ पे बनती हुई देखने को मिली है। जो लोअर प्राइसेस रहेगा वो 52 वीक में 1.65 रुपये पर आ चुका है। फिलहाल के टाइम क्या शेयर इसी रॉकेट की रफ्तार से गिरता रहेगा या फिर Q3 के रिजल्ट्स में पॉजिटिव तेजी भी देखने को मिल सकती है, तो दोस्तों क्या वजह रहने वाली है। तो दोस्तों वजह की बात की जाए तो एक मंथ में तो दोस्तों 10-10.5% के आसपास रिटर्न्स में गिरावट यहाँ पे एक रफ्तार से और एक ही लेवल से टूटता हुआ शेयर देखने को मिल रहा है। पर यहाँ पे Q3 में कुछ उल्टा होने वाला है दोस्तों। मैं आप लोगों को पहले रिकमेंड कर देता हूँ, Q3 के जो रिजल्ट्स हैं वो अगर सोमवार को अनाउंसमेंट कर दी जाती है या सोमवार को उसके बारे में अगर बता दी जाती है कि आने वाले दिनों में कब तक Q3 के जो रिजल्ट्स हैं वो जारी हो सकते हैं, तो वो जानकारी आप लोगों के लिए एक अच्छी जानकारी निकल के आ सकती है सोमवार को। तो फिलहाल एक टाइम अगर आप Q3 के रिजल्ट्स तक अगर आप वेट करते हैं तो कंपनी में जो रिकवरी का जो सिलसिला है वो यहाँ पे स्टार्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। कंपनी का हम मार्केट कैप देखते हैं उसके अनुसार दोस्तों आने वाले दिनों में जो कंपनी का जो तिमाही है Q3 के जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आने की उम्मीद यहाँ पे जताई जा रही है शेयर होल्डर्स के द्वारा और ऑपरेटर्स के द्वारा भी। तो फिलहाल के टाइम कंपनी का फाइनेंशियल आंकड़े देखते हैं, तो फाइनेंशियल आंकड़े में देखते हैं तो रेवेन्यू भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। रेवेन्यू 22 सितंबर के मुकाबले 270 करोड़ के आसपास यहाँ पे देखने को मिलता है। वहीं एक साल के अंतराल में फिलहाल के टाइम तेजी जो देखने को मिलती है 9.5% की यहाँ पे तेजी बनती हुई देखने को मिल रही है। फिलहाल के टाइम नेट इनकम थोड़े दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट बनती हुई देखने को मिली, लॉस में कंपनी जाती हुई देखने को मिली। पर यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी कर्ज मुक्त हो चुकी है, डिबेट मुक्त हो चुकी है। आप लोगों में पहले आपको कन्फर्म कर दूं दोस्तों, सितंबर 2022 के मुकाबले देखा जाए तो 635 करोड़ के आसपास का कंपनी का नेट इनकम लॉस में था। और फिलहाल के टाइम देखा जाए तो रिकवरी वहाँ पे वापस होती हुई देखने को मिली है और 3.5% कंपनी फिलहाल के टाइम लॉस में देखने को मिल रही है। डेली टीपीएस देखा जाए तो 4.5% के आसपास नेगेटिव में देखने को मिलता है। और वहीं पर देखा जाए तो यहाँ पर जो एक साल का अंतराल जो रहता है उसमें 3.5% से भी ज़्यादा लॉस में देखने को मिलती है। पर नेट प्रॉफिट जो मार्जिन रहेगा दोस्तों वो यहाँ पर देखा जाए तो 22 सितंबर में तो दोस्तों नेगेटिव में था 34% के आसपास, पर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे रिकवर होता हुआ 5.5% के आसपास रिकवर होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल के टाइम आपकी क्या राय है इसके बारे में वो तो आपको जानना जरूर रहेगा, बताना जरूर रहेगा। फिलहाल के टाइम बात कर लेते हैं पिछले 6 महीने के ग्राफ की एनालिसिस की और कंपनी के क्या पक्ष विपक्ष रह रहे हैं, तो लेकर चलता हूँ इसके। उससे पहले बता दूँ चैनल पर फर्स्ट बार डिजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन कॉल पर जरूर से सिलेक्ट कर लेना। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करते हैं पक्ष विपक्ष की तो दोस्तों फिलहाल टाइम पक्ष में जो रहेगा कंपनी से अच्छी तिमाही देने की उम्मीद है। Q3 के रिजल्ट्स में कंपनी से अच्छी तिमाही देने की यहाँ पे उम्मीद यहाँ पे जताई जा रही है। बात करते हैं वहीं पिछले 6 महीने के ग्राफ की, तो पिछले 6 महीने का जो ग्राफ रहेगा दोस्तों उसमें देखा जाए तो हाइस्ट प्राइस जो देखने को मिलती है वो यहाँ पे देखने को मिलती है लगभग दोस्तों 18 अगस्त के आसपास 2.85 रुपये पर। यहाँ पे शेयर में गिरावट यहाँ पर अचानक से बनती हुई देखने को मिली, शेयर काफ़ी ज़्यादा टूटता हुआ यहाँ पे देखने को मिला, फिर से रिकवर हुआ, फिर से यहाँ पे शेयर टूटता हुआ देखने को मिला और रिकवरी फिर से स्टार्ट हुई और यहाँ पे फिर से टूटता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले 6 महीने में शेयर काफी ज्यादा टूट चुका है, लगभग 1 रुपए के आसपास शेयर में गिरावट यहाँ पे दर्ज होती हुई देखने को मिली है। तो दोस्तों जो रिकवरी का जो चांस रहेगा सबसे बड़ा वो रहेगा Q3 का जो रिजल्ट्स है उस पर दोस्तों डिपेंड करने वाला है। Q3 के रिजल्ट्स अगर पॉजिटिव आते हैं तो आप लोग को एक अच्छी खासी तिमाही देने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा सकती है। कंपनी के फाइनेंशियल डाटा पर अगर हम नजर डालते हैं तो कंपनी जो रिटर्न है वो तो अच्छा खासा देख रही है, लगभग 1% के आसपास कंपनी का रिटर्न जो है वो यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रहा है और कंपनियों के मुकाबले तो एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रहा है। पर कंपनी के जो टोटल लॉस प्रॉफिट की बात करते हैं तो कंपनी का जो लॉस है दोस्तों वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बनता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बात करें सबसे पहले दोस्तों सितंबर 2019 में दोस्तों कंपनी का जो लॉस था वो यहाँ पे देखा जाए तो 409 करोड़ था, फिर 401 करोड़, फिर 909 करोड़ के आसपास देखने को मिला, फिर यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट भी बनी, फिर यहाँ पे दोस्तों 891 करोड़ फिर से होता हुआ देखने को मिला 698, और अब देखा जाए 2022 में दोस्तों तो 611 करोड़ का कंपनी के पास अभी फिलहाल के टाइम लॉस में चल रही है। तो जो कंपनी का जो डेटा रहेगा Q3 का अगर उसमें
आता है, अच्छा पॉजिटिव डेटा आता है, तो आने वाले दिनों में रिकवरी के चांसेस बढ़ सकते हैं, वरना आप लोग को एग्जिट ही करना पड़ेगा। इसलिए चीज़ की मैं गारंटी आप लोग को श्योरिटी में पहले ही दे देता हूँ। तो फिलहाल के टाइम आपकी क्या राय रहने वाली शेयर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। जानकारी पसंद आई वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।